इनेलो नेता फखरुद्दीन चंदेनी एडवोकेट निधिया, कांग्रेस नेता आफताब अहमद को समर्थन और भाजपा व आरएसएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व चेयरमैन एमडीए खुर्शीद अहमद भी हुए शामिल। बता दें, नूह विधानसभा में इंडियन नेशनल लोकदल को बड़ा झटका लगा है। चौधरी ताहिर हुसैन एडवोकेट को इंडियन नेशनल लोकदल का टिकट मिलने से नाराज इनेलो नेता व नूह विधानसभा से टिकट मांग रहे फखरुद्दीन एडवोकेट चंदेनी ने पार्टी को अलविदा कहते हुए कांग्रेस उम्मीदवार आफताब अहमद को अपना समर्थन दे दिया। इनेलो नेता फखरुद्दीन चंदेनी ने अपने नूह स्थित कार्यालय पर वर्कर मीटिंग कर अपना समर्थन दिया और उसके उपरांत अपने पैतृक गांव चंदेनी में सम्मान समारोह आयोजित कर पूरा समर्थन दिया। फखरुद्दीन एडवोकेट ने पार्टी छोड़ने से नूह विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे ताहिर हुसैन एडवोकेट को बड़ा नुकसान होने का अंदेशा जताया जा रहा है। ताहिर हुसैन नूह के बड़े भाजपा नेता पूर्व विधायक जाकिर हुसैन के पुत्र हैं और पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार एवं सीएलपी उपनेता आफताब अहमद ने कहा कि सबसे पहले मैं सभी उन सोच के लोगों को सलाम करता हूं जो आज विकास और इलाके की तरक्की के लिए आने वाले समय में विकास को देखते हुए ताकत दे रहे हैं। उनमें भाई फखरुद्दीन एडवोकेट ने इनेलो पार्टी को छोड़कर हमें सहयोग दिया, उनका शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि हमारे साथ मिलकर वे भाजपा के कुशासन और भाजपा के खिलाफ जनाक्रोश अभियान में मिलकर कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए आगे आए हैं। विधायक आफताब अहमद ने कहा है कि मिलकर पहले भी हम साथी रहे हैं और आगे भी मिलकर इस इलाके की तरक्की प्रगति के लिए काम करेंगे। कांग्रेस नेता आफताब अहमद ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने कई पार्टियां बदली हैं। चौधरी जाकिर हुसैन ने लोगों के लाभ के लिए कभी पार्टी नहीं बदली, अपने निजी हित के लिए पार्टी बदली है। सत्ता की मलाई पिछले 5-6 साल से हरियाणा वक्फ बोर्ड चेयरमैन व प्रशासक के तौर पर काम कर रहे थे। आप खुद ही बीजेपी में हैं और अपने बेटे ताहिर हुसैन को चोर रास्ते से लोकदल में भेज दिया ताकि भाजपा की मदद हो जाए। आज भली भांति स्पष्ट हो गया है कि अभय सिंह चौटाला भाजपा की बी टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं। गोपाल कांडा के मुकाबले भाजपा अपना उम्मीदवार वापस लेती है जो नूरा कुश्ती हो रही है, जो लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन लोग समझ चुके हैं। जागरूक साथी कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के विधायक ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल नूह शहर का है, उसको सर माननी चाहिए कि नूह शहर में जल भराव के किस तरह के हालात हैं। हरियाणा वक्फ बोर्ड का प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन भी यहीं का नुमाइंदगी करता है, उनको भी सर माननी चाहिए। अगर मैं उनमें थोड़ी बहुत शर्म बची है तो कई महीने से नूह शहर जलमग्न है, एक बार भी नूह में उन्होंने अपनी आवाज नहीं उठाई। आप देख रहे हैं नूह मेवाज से लियाकत हर एक रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा चुनावों से संबंधित छोटी बड़ी खबरें। सभी उस सोच के जो आज विकास के लिए और इलाके की तरक्की और इलाके की विकास के लिए, इलाके की आने वाले समय में खुशहाली हो, उसकी सोच को जो ताकत दे रहे हैं और उसमें आज हमें भाई फखरुद्दीन एडवोकेट ने जो अपनी INLD छोड़ के और जहां से वो टिकट के दावेदार भी थे छोड़ के और एक जो हमें सहयोग दिया है, हमारा साथ दिया, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बात के लिए उनको पूरी तरीके से मुबारकबाद भी देता हूँ कि वो हमारे साथ मिलके इस जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, इसका जनाक्रोश जो इस सरकार के खिलाफ है, उस अभियान में हमारे साथ मिलके कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए आगे आए हैं और हम मिलके इस इलाके की, पहले भी हम साथ ही रहे हैं और आगे भी मिलके हम इस इलाके को विकास के, इस इलाके की तरक्की प्रगति और जो इलाके को हमसे उम्मीदें हैं, जो यकीन है, विश्वास है, उसको पूरी तरह करने की पूरी अपनी कोशिश करेंगे। अभी आपने कहा कि भाजपा नेता है वो चुनाव नहीं लड़ रहे, वो तो उनका किरदार यही कह रहा है। जितनी पार्टियां बदल गई शायद उन्हें अपने आप में पता नहीं, हमेशा अपनी खुद की
जो है राजनीति खुदगर्जी की राजनीति के लिए, लोगों की राजनीति के लिए कभी पार्टी नहीं बदली उन्होंने। जो उनका अपना सूट करता है उस चीज के आज सत्ता की मलाई जो है पिछले छह साल पांच छह साल से वक्फ बोर्ड के कभी चेयरमैन कभी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आज भी एडमिनिस्ट्रेटर है और आज खुद बीजेपी में है और अपने बेटे को चोर रास्ते से भेज दिया लोकदल में जिससे बीजेपी की मदद हो जाए, क्योंकि आज ये भली भांति स्पष्ट हो गया है कि अभय चौटाला भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। गोपाल कांडा के विरुद्ध जो है बीजेपी कैंडिडेट विड्रॉ करती है, कल ही गोपाल कांडा के साथ मिलके वो उसकी सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी जो नूरा कुश्ती हो रही है ना, लोगों को बेवकूफ बनाने, लेकिन लोग समझ चुके हैं और जागरूक साथी जैसे भाई फखरुद्दीन हैं, इन जैसों ने और हमारे साथियों को इलाके को इस बात की आंखें खोलने में और इस जागरूकता में हमारी मदद कर रहे हैं। आपने नूह शहर को, भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष है ना, वो इसी नूह शहर का है, शर्म आनी चाहिए उसको कि अगर उसके शहर में ये इस तरह का हालात है और जो एडमिनिस्ट्रेटर बना हुआ है ना वो यहीं की नुमाइंदगी करता है जाकिर हुसैन, उन्हें इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए। मतलब अगर है तो, अगर लोगों की है तो, आज जलमग्न हुआ हुआ है कई महीनों से, आज तक एक जो है बार आवाज नहीं निकली। हमने तो विपक्ष में रहते हुए विधानसभा से लेकर और सड़क तक हमेशा इन बातों को उठाने का करा, लेकिन ये तो नालायक सरकार थी ना, इन्होंने इस इलाके के साथ दुर्भावना के साथ जो है कार्य किया है और दूसरी जो है तरह से देखते हैं, इस वजह से इन चीजों का नहीं हो। लेकिन क्या सरकार को भारी था कि जल भराव की समस्या न, मतलब का निजात ना मिले? जब आवाज उठती तो जो फौरी तौर पे टेम्परेरी अरेंजमेंट करके कर रहा है, मैं समझता हूँ ये सरकार का इस बात का और ये जो कुशासन दिया है, जो इस इलाके के साथ बदहाली करी है, उसका खमियाजा जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में इनको देखने को मिलेगा। ये माना जाए कि उन्होंने तो नगर मतलब शहर कूड़ादान बना पड़ा, जल भराव की समस्या तो है, एक ईंट नहीं लगने दी, कोई सड़क नहीं बनी, कोई रास्ता नहीं बना, मतलब बिल्कुल अपनी जो है छोटी राजनीति के चक्कर में इस इलाके के बर्बादी कर। कहूंगा कि बहुत चुनाव लड़े हैं लेकिन जो समर्थन, जो विश्वास और जो आज उम्मीद विकास की इस इलाके ने और खास तौर पे कांग्रेस से और हमसे लगाई है, मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक बहुत राजनीति में बदलाव का सूचक है और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि विकास से बड़ी सोच और अपनी बदहाली और उसके लिए अपनी लड़ाई लड़ने में जो योगदान दे रहे, मैं समझता हूँ कि इलाके की तस्वीर और तकदीर बदलेगी, इलाके का जो है बेहतर मुस्तकबिल होगा और बेहतर समझता हूँ आगे आने वाला समय जब शासन बनेगा हरियाणा में कांग्रेस का, मैं समझता हूँ इस इलाके में जो परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज, चाहे स्कूली शिक्षा की बात है, चाहे नहरी पानी की बात है, चाहे बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की बात है, सड़कों की बात है, बेरोजगारी की बात है, उन सब पे सरकार काम करेगी, कांग्रेस काम करेगी और हम मिलकर लोगों के साथ इस इलाके की बेहतरी के लिए, विकास के लिए, खुशहाली के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया भारतीय जनता पार्टी ने, आज तक खट्टर साहब को उसका कसूर नहीं बताया, चेहरा जरूर बदल दिया, फिर उन्हें पुरस्कृत कर दिया कि केंद्र में मंत्री बना दिया है। नायब सिंह सैनी जो है मुख्यमंत्री, वो हर रोज घोषणाएं करते हैं, हरियाणा की जनता ने तो उन घोषणाओं का भी गंभीरता से नहीं लिया। अब 10 साल हो गए, कोई घोषणा करें झूठी करें, भारतीय जनता पार्टी अपना जो है क्रेडिबिलिटी खो चुकी है हरियाणा की जनता के बीच में। मैं समझता हूँ कि उनकी किसी घोषणा का लेश मात्र भी कोई यकीन नहीं करता और कांग्रेस की घोषणाओं का हम कह सकते हैं ये घोषणाएं हमारे संकल्प पत्र में थी, उसी में आजकल जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और हमारे नेताओं ने कल उस गारंटियों को जो है जनता के सामने पेश किया है। कांग्रेस की गारंटी है, उन सबको पूरा किया जाएगा और जैसा साफ होता जा रहा है जनता का विश्वास इसी में बन रहा है कि कांग्रेस को समर्थन दे रही है, भारी विश्वास जो है समर्थन मिल रहा है, हर रोज जो आशाएं और जो उम्मीद बन रही है वो कांग्रेस से बन रही है और उन्हीं गारंटियों को जो है जनता गंभीरता से लेने ले रही है। वन नेशन वन इलेक्शन, आज सवाल वन नेशन वन इलेक्शन जो है उसका आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये चार राज्यों के चुनाव तो इकट्ठे करा नहीं सकते, महाराष्ट्र झारखंड क्यों छोड़ दिया, ये सिर्फ ढकोसला है डाइवर्ट करने के लिए, मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए। इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, तर्कसंगत नहीं है,
किसी भी तरीके से, लेकिन ये भ्रमित करने के लिए, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, मुद्दों से, असली मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए जी के तरह तरह की जो है इस तरह के शगुफे जो है वो निकालते हैं। नहीं, हमने तो जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन करी थी उसी दिन उनसे कह दिया था कि कार्यकर्ता में से किसी को टिकट देते हम जी जान से आपके साथ रहेंगे, जाकिर या जाकिर के लड़के को या उसके परिवार से किसी को टिकट देगा तो हम पार्टी में नहीं रहेंगे। आज अभय सिंह जिंदा है, आप पूछ सकते हो हमने उससे। हमने टिकट की कोई कमिटमेंट नहीं करी, हमने इसी बात की कमिटमेंट करी थी, लेकिन वो बात पे अपनी खरी नहीं उतरा। दूसरी बात, वो बीजेपी के कहने से टिकट बांट रहा था। हमने 22 तारीख को लास्ट अल्टीमेटम उसको दे दिया था कि किसी की भी टिकट कर दे, हम चारों इकट्ठे हैं, लेकिन उसने नहीं करी उस बंदे ने। हबीबुर रहमान ने कहा कि इनेलो के ही चार नेता थे जिन्होंने मेरे साथ बगावत नहीं, ये तो, साथ इसमें नो डाउट जो है, जब आदमी किसी पार्टी में चार टिकट मांगेंगे तो एक दूसरे की टांग तो खींचते हैं, लेकिन वैसे हमें हबीबुर रहमान से कोई शिकायत नहीं है और हमने तो उससे कह दी थी अगर उसको टिकट मिलेगा तो उसके साथ। देखिएगा, पहली बात तो ये कि राजनीति जन भावनाओं को देखते हुए की जानी चाहिए और आज की जो जन भावना है उनका सम्मान करते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है और जन भावनाओं का सम्मान करते हुए और मेवात के लोगों की इच्छा को समझते हुए मैंने कांग्रेस पार्टी को आफ्ताब जी के नेतृत्व में ज्वाइन किया है। मुस्लिम विरोधी माना जाता है, आपने लंबे समय तक भाजपा में समय बिताया है, आपकी प्रतिक्रिया? हाँ, कहीं ना कहीं एक विचार तो है वहाँ पर इस बात का कि इस देश के अल्पसंख्यकों को मजबूत ना किया जाए, उनको अलग अलग तरीके से इल्जाम लगाकर उनको डिस्टर्ब और बदनाम किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे देश में सब लोग इस बात को समझ चुके हैं। आज इस देश का मुसलमान बिल्कुल भाजपा से नाता तोड़ चुका है और जो नाम मात्र के लोग, जाकिर जैसे लोग ढोंग रच रहे हैं, इनका भी पर्दाफाश हो जाएगा।